महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और शिवसेना में एक विज्ञापन को लेकर विवाद बढ़ गया। दरअसल शिंदे गुट की शिवसेना ने मंगलवार को अखबारों में एक विज्ञापन छपवाया जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से ज़्यादा लोकप्रिय बताया गया। इस विज्ञापन के बाद भाजपा की नाराजगी की बात सामने आई। चर्चा इस बात की भी है कि सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने एक दूसरे के प्रोग्राम से दूरी बना ली है। बढ़ते विवाद को देखते हुए बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक नया विज्ञापन जारी किया गया जिसमें भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार को जनता की पहली पसंद बताया गया। शिवसेना की तरफ से मंगलवार को मुंबई के अखबारों में बड़े विज्ञापन छपाकर यह दावा किया गया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाजपा नेता और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ज़्यादा लोकप्रिय है। एक सर्वे का हवाला देते हुए दावा किया गया कि महाराष्ट्र के 26.1% लोग एकनाथ शिंदे को, सिर्फ 23.2% लोग देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। विज्ञापन में ये भी दावा किया गया है कि महाराष्ट्र की 30.2% जनता भाजपा को और 16.2% लोग शिवसेना को फिर से महाराष्ट्र की सरकार में देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस विज्ञापन में बीजेपी के चर्चित पुराने नारे दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र को बदलकर मोदी और शिंदे के बड़े बड़े फोटो के साथ राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे का नया नारा दिया गया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।